सर, मेरा नाम रामानंद सिंह कुशवाहा है और आज मैं आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दूंगा और ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो सब्जियों पे या किसी फसलों पे अपनी दवा का स्प्रे करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो दवा का हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से कितना हमें फायदे और कितना हमें लाभ होता है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक डेमो करके, कि डेमो करने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप दवा का स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। तो मेरे पास ये दो गिलास है और इन दोनों गिलासों में मैं वाटर डाल रहा हूँ, पानी। ये हो गया, दोनों गिलास में मैं पानी डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद मैं इसमें एक आपको बहुत बढ़िया फैक्ट बताना चाहता हूँ कि कोई भी दवा के जब हम अपने स्प्रे करने के लिए लाते हैं मार्केट से या कहीं से उसको खरीद के लाते हैं, तो जब उसको हम दवा को पानी में घोलते हैं तो दवा अच्छी तरीके से घुलती नहीं है। इसका एक रीजन है कि इस चीज को किसान या कोई भी आदमी समझ नहीं पाता है कि घुलने का कारण क्या है, क्योंकि जो दवाएं जो नहीं घुलती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि आजकल के जो मार्केट में है इतनी अच्छी से अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो रही है जो आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आज के डेट में किसान इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता है और इस्तेमाल न करने से कितना नुकसान होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आपके सामने ये सादा वाटर है, सादा पानी लिए हुए हैं और इसमें मैं पाउडर फॉर्म में कोई दवा डालता हूँ, क्योंकि आप मार्केट से लाते होंगे दवा तो पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड बेस में भी आता है दवाएं। तो पाउडर फॉर्म में दवा डालते हैं तो देखिए होता है क्या है, जैसे अभी इसमें डालेंगे आप, इसे आप देख सकते हैं कि ये दवाएं इसमें डालने हैं उसके बावजूद दवाई ये घुल नहीं रही है, और यही होता है एक किसान का। अब जैसे ये अपने पास ये भी सादा वाटर है, अब इसमें भी मैं दवा डालता हूं, लेकिन इसमें दवा डालने से पहले एक देख सकते हैं, अब इन दोनों में मैं दवा डाल दिया हूं और दोनों की कंडीशन वही है, लेकिन अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट है पावर प्लांट एस्ट्रेडल 90। इस प्रोडक्ट का कमाल क्या है कि किसी भी दवाओं में इसको आप मिक्स कर देंगे, उस दवाओं को मॉलिक्यूल को पूरा छोटा करके पानी में उसे मिक्स कर देगा। तो आप देखते हैं आपके सामने, किसी भी एक वाटर में आप मिला लीजिए, अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये दवा है पानी में घुल चुका है और इस की देखिए जहां की तहां पड़ी हुई है। तो दोनों में फर्क ये है कि ये जो ग्रीन प्लांट कंपनी की जो दवाएं हैं, इसको एक टंकी में या 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें 5 ml से 7 ml तक आप स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डाल के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको फायदे ये मिलेंगे कि जो आपकी दवाएं मार्केट से लाते हैं या कहीं से उसको खरीद के लाते हैं वो आपकी दवाएं नुकसान नहीं होगा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अपने पास जो प्रोडक्ट है एस्ट्रेडल 90, इस प्रोडक्ट का आप लोग इस्तेमाल करिए और इस प्रोडक्टों को आप केमिकल की दवाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसका डोज आपको 15 से 20 ml रखना पड़ेगा, 15 लीटर का पंप है तो। और जैविक दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 5 से 7 ml का डोज रख सकते हैं 15 लीटर की पंप में।
तो किसान भाइयों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि इस दवाओं का इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने से आपको बहुत बड़ा ही फायदे मिलेगा, क्योंकि ये जो दवाएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 6-in-1। ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडर, एक्टिवेटर, वेटर, पेंटेटर, स्टिकर और ट्रांसलेटर। मीन्स क्या, ये छह तरीके से काम करता है। ये जो अपनी ग्रीन प्लांट बायोपोर्ट जो दवा है एस्पेडल 90, छह तरीके से काम करता है। मीन्स किसी भी पौधे पे इसको अभी स्प्रे करेंगे तो जो पत्तियों पे जो दवा रुकती नहीं है, उस दवा को पत्तियों पे पूरे चिपका देगा। उसके बाद उसको पत्तियों पे फैला भी देगा, पत्ती के नीचे की तक को दवाओं को अंदर प्रवेश कर देगा, ताकि नीचे भी कीड़े रहते हैं, कीड़ों वो मर जाएंगे। मतलब ये इस तरीके से ये इतना बेहतरीन काम करता है कि आप सारे किसान भाइयों इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये है कि आप, ये मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ इसे आप शेयर करें, ताकि और जो किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को ये चीज मालूम चले कि जो हम दवाएं स्प्रे कर रहे हैं कहीं न कहीं ये गलत वे में जा रहे हैं। ये दवाओं के साथ मिक्स करके हम स्प्रे करें, ताकि कम लागत में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिले। और उसके साथ साथ पे आप बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आने वाला समय में मैं डालूं तो आपको ये नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।